एनिमल का ओरल मेडिकेशन हो, कुछ भी हो, कोशिश ये करें कि इनका मुंह ऊपर की तरफ उठाएं, ये पोस्चर, ठीक है। अगर इनका मुंह डाउन हुआ, दवाई भी गिर जाएगी, प्लस डाउनवर्ड इनके पूरी बॉडी का ये अपना वेट जो है उसे एज ए फोर्स यूज करेंगे, आप इन्हें काबू नहीं कर सकते। अगर चिन अप है तो ये भी अच्छी रेस्टोरेंट के लिए चीज है, और टेल अगर ऊपर की तरफ, टेल रेजिंग आपने पढ़ा होगा ये आज के सब्जेक्ट्स में, वो भी एक बेटे। इसमें कोई जानवर की जुबान पकड़नी है, आपने कोई ओरल एग्जामिनेशन करना है, यू कैन डू दैट। टेक्निक वही चिन अप टेक्निक, ठीक है सर। और एनिमल के अगर मैं जस्ट सॉफ्ट पैलेट को ऐसे टच करना, पैलेट को टच करना शुरू कर दूं, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये नीचे हाथ रखा, इसके मैंने पैलेट को टच किया, इसने मुंह ओपन कर दिया है, ठीक है। अब ये इनके इंसाइजर के पीछे और प्री मोलर के दरमियान बाकायदा मतलब स्पेस, एंड गोइंग टू टच दी पैलेट ऑफ दिस एनिमल। पैलेट को टच करते ही ये जानवर अपना मुंह खोल देगा, ठीक है। आप ओरल कैविटी का एग्जामिनेशन कर सकते हैं, जुबान पकड़ के किसी साइड निकालेंगे तो मुंह परमानेंटली इनका खुला रहेगा, आप सारा ओरल कैविटी का एग्जामिनेशन, आज दांतों का एग्जामिनेशन करना चाहें तो मेडिकेशन करना चाहें तो उसके लिए टंग पकड़ने की कतई कोई ज़रूरत नहीं, और स्ट्रिक्टली नॉन रिकमेंडेड। बेस ऑफ टंग में हायराइड बोन है, ठीक है, तो उसी के जोर पे निकलता है जानवर, सारी गिजा को वहाँ जमा करते हैं, हम भी जानवर भी, और फिर बेस ऑफ टंग उसे पीछे की तरफ धक्का मारती है। अगर हमने टंग ही पकड़ी वो निकल नहीं सकेगा बेटे, बेस ऑफ टंग के एक्शन की वजह से एपी ग्लॉटिस ग्लॉटिस के ऊपर आता है और सांस के रास्ते को बंद करता है, निकलने वाला जो पूरा मैकेनिज्म। इस असेंबली में क्या है कि जो लेरेंक्स है ये ऊपर की तरफ किसी हद तक उठता है, और ऊपर यूं एपी ग्लॉटिस है उसके साथ जाके चिपकता है, और उसका सिलसिला मेनली ये बेस ऑफ टंग हायर्ड बोन से थोड़ी सी गुलेल की तरह बनी हुई कार्टिलेजिनस बोन सी है, ठीक है, वो इस इन चीज़ों को ट्रिगर करती है किसी हद तक। आपने वो ट्रिगरिंग मैकेनिज्म ही उसका पकड़ लिया, अब वो अच्छी तरह से निकल नहीं सकेगा, वो सांस के रास्ते में चली गई। सो जब भी जानवर को कोई लिक्विड चीज़ पिलाना चाहे ये, और अगली चीज़ के ये आपने चिन में डाली है ये चीज़, और सारी मेडिकेशन उसमें डाल दी।